हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है गीता और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जिसको आप चावल, पूरी, रोटी, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मली भी बना सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए, या किसी स्पेशल ओकेज़न पे गेस्ट के लिए भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले एक पैन को हमने गैस पर रख लिया है और उसमें एक चमचा ऑयल डाल लिया है। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को थोड़ा सा हो जाने देते हैं गरम और फिर मैंने ले लिया है एक रफली चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का ऑनियन, प्याज। इसको हम डाल लेंगे ऑयल के अंदर और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गैस फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम लो रखा है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये सूखा हुआ नारियल, उसके कुछ टुकड़े मैंने ले लिए हैं, आप कच्चा नारियल भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, जिसको छील के धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लूँगी। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी आप यहीं पर ऐड कर दीजिए। इनको अच्छे से चला लेंगे और प्याज को थोड़ा सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। दोस्तों, जो नारियल मैंने डाला है उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी हो जाती है, तो इसको ज़रूर ऐड करें और इसको किसी भी ग्रेवी में आप ऐड कर सकते हैं। हमारी प्याज बुनकर रेडी हो गई है। साथ ही मैं ऐड करूंगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ और साथ ही मैं इसमें डालूंगी दो हरी मिर्च, जिनको मैंने धुलकर साफ़ करके रखा हुआ था, और इस तरह से बीच में चीर कर इसको डाल दूँगी। आप इसे रफली कैसे भी काट कर डाल सकते हैं। सबको अच्छे से चला लेंगे। साथ ही मैं इसमें एक चम्मच नमक ऐड करूंगी। नमक से सब्ज़ी थोड़ा जल्दी गल जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। हमें इनको टमाटर के गलने तक गलाना है, फिर हमें इसका मिक्सी में इसका पेस्ट बनाना है। तो चलिए, इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पका लेते हैं। जैसे ही हमारे टमाटर गल जाएंगे हम गैस फ्लेम को कर देंगे बंद। ये देखिए, हमारे टमाटर गल चुके हैं, प्याज भी भुन गई है, गैस फ्लेम बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इसका मिक्सर में पेस्ट बनाना है। मिक्सर में गरम गरम नहीं पीसा जाता है, इसलिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, ठंडा हो गया है, मैंने इसको मिक्सर जार में निकाल लिया है और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है इसमें। ये देखिए, अब हमने पैन को फिर से गैस पर चढ़ा दिया है और थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं और मैंने जो है ये पनीर ले लिया है, 250 ग्राम पनीर है यहाँ पर, इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। ये घर का बना हुआ पनीर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और पनीर के टुकड़े आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ में काट सकते हैं और उनको तेल में इस तरह से फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। पलट पलट के हमें टुकड़े फ्राई करने हैं ताकि पनीर कच्चा ना रह जाए। इस तरह से फ्राई करके अगर पनीर डालेंगे तो सब्ज़ी में और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो इनको पलट पलट के हम 4 से 5 मिनट हमें लगेंगे इसे भूनने में। बिल्कुल पेशेंस के साथ भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो पनीर जल जाएगा और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। पनीर को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई शिमला मिर्च और एक छोटा कटा हुआ प्याज, जिसको मैंने फ्लेक्स में काटा है। पहले शिमला मिर्च को ऐड कर लेंगे, शिमला मिर्च को भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और फिर उसी में प्याज ऐड कर देंगे। प्याज और शिमला मिर्च बहुत जल्दी भुनकर रेडी हो जाती हैं, तो इनको एक साथ ही भून लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए इनको भी लो फ्लेम पर भुनकर इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में आ जाए। ये देखिए, अभी हमारी कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ है तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं एक तेज़पत्ता, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, और 2 चुटकी हींग। आप कोई भी खड़े मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर जीरे को चटकने देते हैं। जैसे ही हमारा ज़ीरा चटक जाएगा हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं।
इस तरह से तेल में लाल मिर्च डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, तो मिर्च को आप यहीं ऐड कर दें और फिर फटाफट से इसमें प्योरी जो हमने बनाकर रखी है उसको ऐड कर दें। फटाफट से डालना है वरना मिर्ची जल जाती है तेल में तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखा है हमने यहाँ पर, थोड़ा सा उबाल आने देते हैं और इसमें बाकी के मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच कुटा हुआ धनिया, हल्दी बहुत थोड़ी सी डालेंगे इसमें और इन सबको मिक्स कर देंगे। मसालों में मैंने यही डाला है, गरम मसाला बाद में डालूंगी, आपको जो कोई अदर मसाले पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। सब्जी को ढककर पका लेते हैं मीडियम हाई फ्लेम पर। सब्जी को मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है और सब्जी थोड़ी थिक हो गई है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच मलाई क्रीम जो होती है उसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने थोड़े से दूध के साथ। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम जो मार्केट वाली होती है वो भी ऐड कर सकते हैं या घर में जो मलाई होती है उसको भी फेंट के ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, पहले भी नमक डाला था उसी के हिसाब से नमक डालें। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। आप यहाँ पर इसी टाइम कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और साथ ही में जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को भून कर तल के रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। सभी मसाले इसमें प्रॉपरली ऐड हो गए हैं, आपको अगर कुछ और पसंद है तो यहीं पर ऐड कर दीजिए। अब ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी और थिक हो जाए। और ये जो दालचीनी का टुकड़ा था इसमें, सॉरी जो तेज़पत्ता का टुकड़ा था इसके अंदर, उसको मैं यहीं पर निकाल दूँगी क्योंकि वो अगर मुँह में आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और भी बाकी खड़े मसाले जो आप डालें उनको यहीं पर निकाल दें। और अब मैंने पनीर भी इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और ढककर पका देती हूँ ताकि पनीर के अंदर सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। और ये हमारी फाइनली सब्जी बनकर रेडी हो गई है, ग्रेवी भी अच्छी थिक हो गई है। अगर आपको थोड़ी और थिक करनी है तो और पका सकते हैं, वैसे इतनी ही थिक ग्रेवी अच्छी लगती है। ये चावल किसी पराठे पूरी के साथ अच्छे से सर्व हो जाती है। सब्जी को मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और एक खाने में बहुत डिलीशियस बहुत टेस्टी बनती है। सबसे अच्छी बात है ये चावल के साथ भी खाई जाती है, रोटी के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।